resilience. We are resilience. Welcome to AJ Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एक अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर डाला है पावर सिस्टम के बारे में. ठीक है, हम एसएससी जेई 2019 को टारगेट करते हुए आप लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डील करेंगे पावर, जैसे कि आपका पूरा का पूरा एसएससी जेई का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे हर सब्जेक्ट की एक वीडियो आएगी हमारे चैनल पर, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो. आप उससे अपनी तैयारी को एक अच्छी और अच्छे लेवल पे जा सकते हो. हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग सब तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो. ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आपको एक एक सब्जेक्ट के हर एक कंसेप्ट बताए जाएंगे जो कि एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि हमने बात करी थी कि हम पावर सिस्टम में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, हम पूरे पावर सिस्टम को कैसे कैसे करके डील करेंगे, वो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको वो बताया था. ठीक है, तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर सिस्टम में तीन पार्ट हैं. जैसे कि तीन पार्ट मतलब बेसिक हम जो पढ़ने जा रहे थे, हमने देखा था जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें थी. ठीक है, तो अब है क्या कि हम बात कर रहे हैं जनरेशन के बारे में. ठीक है, तो जनरेशन में बेसिक आपको पता है कि मैंने पहले बताया था आपको कुछ इस तरीके से कि हमारे कुछ पावर प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भाई पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं. ये सब जो पावर प्लांट वाला टॉपिक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसको आप एक अपने किसी भी बुक से कोई रेफरेंस बुक में लेके जा सकते हो, या फिर हम क्या करेंगे अपनी एक लास्ट वीडियो में अगर किसी बच्चों की ज़्यादा इंक्वायरी आएगी या ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि भाई हमें इस तरीके से बता दीजिए कि सारे के सारे पावर प्लांट के बारे में डिस्कस कर दीजिए, या जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी आप उस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है किसके बारे में, हमारे जनरेशन वाले टॉपिक में जो कि हम पावर प्लांट की बात करते हैं, जो भी हमारे पावर प्लांट की वर्किंग कैसे होती है, क्या होती है, उस तरीके से अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमें बता दीजिएगा. हम उसको एक लास्ट पे एक इससे वीडियो अपलोड कर देंगे कि उसकी वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं. ठीक है, अदरवाइज़ हम उसके बाद बात करते हैं किसकी. उसके बाद हमने बात ये करी थी कि लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके केस में, पावर सिस्टम में, जब भी हम किसी भी जेई लेवल के एग्जाम की बात करते हैं. ठीक है, तो हमको पता है कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो हम तीन फैक्टर की बात करते हैं बेसिकली, कि लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है और डिमांड फैक्टर क्या होता है. उससे उस वहाँ तक जाने से पहले आप किस बारे में डिस्कस करोगे कि भाई लोड कर्व क्या होता है, लोड कर्व क्या होता है. वहाँ जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोड कर्व क्या होता है. ठीक है, तो बेसिकली लोड कर्व क्या है कि डेली वेरिएशन जो होता है हमारा, डेली वेरिएशन, ये पावर कुछ आपकी होगी मेगावाट में. ठीक है, ये आपका टाइम होगा, ये एक्सिस जो होगी टाइम इन आवर्स. मतलब हमारा डेली जो है, अगर हम डेली बेसिस के बारे में बात करेंगे तो हम ये बात करते हैं कि भाई हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको आप जीरो बोल दीजिए या फिर 12 बोल दीजिए. मतलब हम 12 बजे से शुरू कर रहे हैं, 12 AM से, ये इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आपका कुछ पूरे आवर्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपका पावर होगा इस तरीके से. ये होगा आपका पावर, जो भी आपने पावर रिसीव करी, जो भी आपने हमारे लोड ने पावर को कंज्यूम किया है, तो डेली वेरिएशन जो होगा इस तरीके से, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से कुछ वेरी कर रहा है, तो ये हमारा कुछ क्या होता है, आपका लोड कर्व होता है. ठीक है, तो ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो पीक पे कुछ वैल्यू है, तो मान लीजिए कि भाई अगर आप ये ध्यान रखो कि किसी भी टाइम पे ये एक्सिस में, यहाँ पे टाइम, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और टाइम भी हो सकता है. ठीक है, ये कर्व ऐसे करके एक्सटेंड भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी मैक्सिमम डिमांड कहाँ पे आ रही है. ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड करेगा, वो आपके डिपेंडिंग अपन द लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका जो भी लोड कनेक्टेड है वो ज़्यादा है. जैसे कि अगर आप किसी फरीदाबाद या दिल्ली वगैरह की बात करोगे, फरीदाबाद, नोएडा, जहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल लोड ज़्यादा होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे शिफ्ट किस टाइम पे मैक्सिमम आपकी जो भी मैक्सिमम मशीनरी है वो किस टाइम पे ऑपरेट हो रही है. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका ये लोड कर्व होता है. ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना सा होता है कि भाई लोड कर्व के बारे में ये है. अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिमांड फैक्टर की. डिमांड फैक्टर, आपको पता होगा कि जो डिमांड फैक्टर होता है आपको ये पता होगा कि जो हमारा डिमांड फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मैक्सिमम डिमांड अपॉन
मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड लोड्स, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड्स, ये आप सबको पता होगा कुछ इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा किस टाइम पे मैक्सिमम डिमांड आई है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिमांड हमारी कितनी है वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, डिवाइडेड बाय मेरे टोटल कनेक्टेड लोड है कितने, ठीक है, मेरे पावर सिस्टम में कितने मेरे कनेक्टेड लोड है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं डिमांड फैक्टर कहीं किसी भी जगह के, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इसका कुछ फॉर्मूला होता है, आप सबको ये पता होगा कि ये हमेशा क्या होता है आपका डिमांड फैक्टर, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए हमेशा आपको पता होगा जो भी आपके कनेक्टेड लोड होंगे ना वो हमेशा ज्यादा होंगे किससे, मैक्सिमम डिमांड से, ठीक है। तो अब हम कुछ इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि टोटल कनेक्टेड लोड इन किलोवाट, हम कुछ एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए भाई यहाँ पे कोई हाउस होल्ड वन है, ये कोई हाउस होल्ड टू है, ये कोई हाउस, सॉरी इस तरीके से लिख सकते हैं हम, हाउस होल्ड वन, हाउस होल्ड टू, हाउस होल्ड थ्री। तो यहाँ पे टोटल कनेक्टेड लोड आपके है कितने, मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 30, 25, 40, इसने जो भी आपका लोड कनेक्टेड है हाउस होल्ड वन, अगर हम बात करें किसी हाउस वन पे, हाउस वन पे क्या है आपका 30 किलोवाट के लोड क्या है आपके कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए किसी एक हाउस में आपके पास लाइट्स होगी, ठीक है, ट्यूबलाइट होगा आपका, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हम अप्लायंसेस अपने घरों में यूज़ करते हैं, इस तरीके से कुछ आपका 30 किलोवाट वहाँ पे है। हाउस होल्ड टू में सिमिलरली क्या है 25 किलोवाट, हाउस होल्ड थ्री में 40 है। अब आएगा इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। किसी एक मैक्सिमम डिमांड होगी उस हाउसहोल्ड के रिगार्डिंग, कुछ तो उसकी मैक्सिमम डिमांड होगी ना, तो कुछ आपकी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड होगी, ठीक है। तो वो कितनी होगी आपकी 20, मतलब हम कुछ एजम्पशन लेके चल रहे हैं इस तरीके से कि मान लीजिए इसका 25 है, इसका 20 है और इसका 30 है, कुछ हमने ये एजम्पशन ले लिया, या फिर आप 30 बोल दीजिए, 35 बोल दीजिए, 40 बोल दीजिए, व्हाटएवर इट इज, मान लीजिए हमने बोला 35 है, ठीक है। अब देखिए अगर हम डिमांड फैक्टर की बात करेंगे, कुछ हमारे पास इस तरह से डेटा गिवन है, ठीक है, और अगर हम किसकी बात करें डिमांड फैक्टर की, तो हमको पता है जी डिमांड फैक्टर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड्स, ठीक है। तो कनेक्टेड लोड इसमें है कितने, देखिए टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड लोड कितने हैं आपके टोटल, अगर आप हाउस होल्ड वन की बात करोगे तो हाउस होल्ड वन के करेस्पॉन्डिंग आपकी मैक्सिमम डिमांड आई होगी, तो उसमें मैक्सिमम डिमांड कितनी है आप बताइए। मैक्सिमम डिमांड आपकी देखिए इंडिविजुअल 25, 20, 35, राइट। तो अब उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डिमांड फैक्टर हम क्या बोल रहे थे, देखिए इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इंडिविजुअल कितनी है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड 35 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड लोड, टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड लोड कितना आएगा ये 5, 9, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 95। तो भाई डिमांड फैक्टर कितना होगा, मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारे पास 35, इनमें से मैक्सिमम कितनी है 35 है, ठीक है, और कितना है आपका कनेक्टेड लोड 95। तो कुछ इस तरीके से ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, हमेशा वन से छोटा होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, देखिए आप डिनोमिनेटर इसमें क्या है बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, और ये हर कंडीशन पे होगा, ठीक है, हर कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा, तो हमेशा क्या होगा ऑलवेज लेस देन यूनिटी डिमांड फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है, अभी हमने डिमांड फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है, तो हमारा जो डाइवर्सिटी फैक्टर होगा इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिमांड फैक्टर के बारे में जो चीज़ आपको बताई गई है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर जेई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर की, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, मतलब All individual maximum demand
सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, मतलब मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। देखिए जो भी आपकी मैक्सिमम डिमांड होगी ना, उन सब का अगर आप एडिशन करोगे तो वो हमेशा ज़्यादा होगा, अगर आप सबका एडिशन करोगे वो हमेशा ज़्यादा होगा मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका एडिशन, 5 + 5 = 10, 1 + 2 = 4 और 1 = 5 + 3 = 8, 80। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर की, तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम कितना है उन सब का 80 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। तो कुछ पावर स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड कितनी आई है, 35, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 35, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक बात है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, राइट। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़ी है, डिमांड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। इसके बाद हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका क्या, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर के बारे में क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन आपकी बुक्स में मिल जाएगी कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू दिस मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है, उसको हम डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, सीधा सीधा हमने फॉर्मूले में बारे में बात कर ली और हमने उस प्रैक्टिकली वहाँ से देख लिया। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन ले लेंगे, उनमें हम सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं लोड फैक्टर की। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं जिसको मैं सीधा फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लोड फैक्टर क्या होता है आपका, एवरेज लोड, लोड फैक्टर आपका हो जाएगा एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड बोल दीजिए या एवरेज कनेक्टेड लोड बोल दीजिए, जो भी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब जो भी मेरे कनेक्टेड लोड है ना उनका एवरेज। ठीक है, तो अगर मैं टोटल कनेक्टेड लोड का एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा, वहाँ पे 95 आ रहा है ना इसका सम, तो अगर मैं एवरेज की बात करूँगा तो हमने तीन को ऐड किया है। ठीक है, तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसका एवरेज जो होगा, एवरेज अगर हम उसका एवरेज की बात करेंगे तो हो जाएगा 95/3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डिमांड की, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है हमारे पास, 35। ठीक है, अब देखिए लोड फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 95/3 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड आपके पास 35 है, तो 95/3 × 35 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 95/5 = 15, 1 = 3, 3 = 9 और 1 = 10। आप ये देख रहे होंगे कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, मतलब ये वाला भाग बड़ा है इससे, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, हमेशा 1 से छोटी वैल्यू ये देगा। और आप ये पढ़ते होंगे कि लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, हमेशा जो मेरा लोड फैक्टर होता है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, और लोड फैक्टर 1 से कम होता है वो हमें यहाँ से दिख गया। ठीक है जी, अब देखिए अभी तक हमने तीन चीज़ों के बारे में बात करी है, क्या क्या चीज़ें थी वो, अभी तक हमने तीन चीज़ों के बारे में बात करी, हमने बात करी आपका लोड फैक्टर, फिर हमने बात करी डाइवर्सिटी फैक्टर, फिर हमने बात करी डिमांड फैक्टर। अगर हम लोड फैक्टर की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन
यूनिटी, ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है आपका ग्रेटर देन यूनिटी आता है, बल्कि जो आपका डिमांड फैक्टर होता है वो हमेशा क्या आता है, आपका लेस देन यूनिटी आता है, मतलब एक से छोटा। वैसे ही आपका लोड फैक्टर जो होता है वो एक से छोटा आता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक बारे में जान लेते हैं कि इन चीज़ों को जो हमने ये बात करी है, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर की, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम सब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि भाई लोड फैक्टर मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, आपका वन से छोटा होना चाहिए, या फिर आपका डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो वन से छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं सब, कि सिग्निफिकेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर मतलब क्या होता है, आप यूनिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई हमारा लोड फैक्टर क्या होना चाहिए, या फिर हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा कोई पावर प्लांट है, इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ मेगावाट में टाइम इन आर्स हमने यहाँ पे ले रखा है इस एक्सिस में। अब ये क्या है आपके पास, यहाँ तक आपको पता है कि जो ये होते हैं, ये जो है आपका, ये बेस लोड प्लांट है, ये बेस लोड होगा, ये आपका पीक लोड होगा, ठीक है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ मैक्सिमम पावर आ रही होगी, यहाँ पे कुछ आपकी एवरेज पावर होगी, पी एवरेज वो है, ये मैक्सिमम आपकी यहाँ पे है। एक है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें कि पीक लोड जो है वो आपका ये रहा। एक आपके पास है, जो आपके पास एक कर्व है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये मान लीजिए कुछ कर्व ए है, ये कुछ कर्व बी है, ठीक है। अब देखिए, आप इस चीज में ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात करता हूं कर्व ए की, तो यहां पे क्या है, यहाँ पे एक तो बेस लोड प्लांट है और एक आपका पीक लोड प्लांट है, ठीक है। इस बेस लोड प्लांट में ये यहाँ पे कुछ बेस लोड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ बेस लोड प्लांट होगा, ठीक है। तो इसमें कितने आपके जनरेटिंग स्टेशन, या फिर जो आपका जनरेटर होगा, या जो जनरेट कर रहा है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन कौन करेगा। एक तो इसके लिए चाहिए आपको, जब कभी आपकी मैक्सिमम डिमांड आएगी या फिर पीक लोड आएगा, तो उस ड्यूरेशन पे भी तो आपको कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। आपको क्यों लगेगी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट, यहाँ पे आपको मान लीजिए इस पीक लोड को फुलफिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ जनरेटिंग यूनिट लगानी पड़ेगी जो कि इस डिमांड को फुलफिल करेगी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी क्या होगी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ कॉस्ट होगी ए की, ठीक है। अब देखिए बी वाले में क्या है, बी वाले में क्या है आपकी पी एवरेज जो है, ये मैक्सिमम को मैंने सप्रेस किया, हमने बोला कि भाई आप मैक्सिमम डिमांड हमने सप्रेस किया, वो एवरेज के बराबर कर दिया, अगर पी मैक्सिमम और पी एवरेज बराबर हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ही प्लांट रन करना पड़ेगा थ्रू आउट द डे। अगर हम 24 आवर की बात करेंगे, एक दिन की बात करेंगे, तो पूरा का पूरा थ्रू आउट द डे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही प्लांट को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप इसको ऑपरेट कराओगे तो केवल बेस लोड से ये फुलफिल हो जाएगा, बेस लोड से फुलफिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे केवल मैंने एक ही कुछ जनरेशन चलाया था, यहाँ पे कुछ जनरेट करने के लिए एक ही प्लांट चलाया था हमने, या फिर इस ऐसे बोल सकते हो आप कि इस पावर को फुलफिल करने के लिए जो भी यहाँ पे एवरेज पावर था उसको फुलफिल करने के लिए आपने बेस लोड की हेल्प लिया, ठीक है। जो भी बेस लोड प्लांट होगा आपका वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जनरेटिंग यूनिट आपने लगा रखी है। तो कॉस्ट ऑफ ए ये आपकी कुछ इसकी कॉस्ट होगी बी की, तो कॉस्ट ऑफ ए बड़ी होगी कॉस्ट ऑफ बी से, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है ना पीक लोड, तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी इसकी एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है।
तो इन दोनों में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ए बड़ी होगी आपकी कॉस्ट ऑफ बी से, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका प्लांट लोड फैक्टर होता है वो कितना होता है आपका, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगी, अगर आपकी मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्लांट लोड फैक्टर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये वैसे ही लेस देन यूनिटी होता है, लेस देन यूनिटी होता है ना, इसका मतलब ये मेरा कम होगा। अगर मैं क्या कर दूं, अगर इसमें देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, जैसे कि मैंने इस पे किया है कि जो प्लांट लोड फैक्टर ये कितना हो जाएगा, 1/ इस तरीके से होगा पी एवरेज बाय पी मैक्सिमम, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरेज को मैंने मैक्सिमम के बराबर पुट कर दिया तो मुझे कुछ इस तरीके से मिला 1K। तो इसका मतलब कितना होगा प्लांट लोड फैक्टर आपका, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में तो 100% हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी तरीके से अपनी मैक्सिमम डिमांड को इस तरीके से फुलफिल कर दूं कि मेरी एवरेज के वो बराबर आ जाए, ठीक है, एवरेज इक्वल टू मैक्सिमम पावर डिमांड हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, दूसरा आपके पास जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर पे भी हम क्या बोलते हैं, आपके पास रुक जाइए एक मिनट, डाइवर्सिटी फैक्टर यहां पे लिखते हैं हम, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन पी मैक्सिमम, या फिर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय पी मैक्सिमम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब देखिए, अगर मेरा पी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब मेरी जो मैक्सिमम डिमांड थी यहाँ पे इस तरीके से अगर ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर विल इम्प्रूव, डाइवर्सिटी फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप बात करते हो लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर की, ये दोनों हमारे कॉस्ट पे बहुत डिपेंड करते हैं। कॉस्ट मतलब कि अगर मेरा लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर अगर मेरा इम्प्रूव हो, अगर मेरा वो इम्प्रूव हो जाए लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर, तो उससे मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर के बढ़ने की वजह से क्या होगा आपका, इसके बढ़ने की वजह से आपकी कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट जो ऑफ जनरेशन पर यूनिट जो होगी वो कम हो जाएगी, जैसे ही मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मैंने क्या बोला आपको, मैक्सिमम डिमांड आपकी कम हो जाएगी, तो ये वाले इसमें कॉस्ट मेरी कम हो रही है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आपको दो जनरेटिंग यूनिट चलानी पड़ रही है टू फुलफिल द ये पावर डिमांड, फुलफिल करने के लिए आपको दो यूनिट चलानी पड़ रही है। जब हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ जाएगा तो मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, वैसे ही केस होता है आपका प्लांट लोड फैक्टर का या फिर लोड फैक्टर का, जो कि इस तरीके से होता है, ठीक है। लोड फैक्टर के बढ़ने से भी क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी तक आपको पता है हमने बात करी लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर डिमांड फैक्टर की, सिग्निफिकेंस ऑफ लोड फैक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, राइट। अब हम बात करते हैं, ये कुछ आपके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, जिसमें आपका डेली एवरेज लोड का फॉर्मूला लिखा है, किलोवाट आवर सप्लाइड इन अ डे डिवाइडेड बाय 24। अगर यहाँ पे ये पर एनएम बोल देगा इसको, अगर आपको पर अगर पर साल का बोलेगा, साल का अगर यहाँ पे बात करेगा, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 365 से, ठीक है। आप 366 नहीं लेंगे, 365 आप स्टैंडर्ड लोगे, ठीक है। उसके बाद कोइंसिडेंस फैक्टर जो होता है 1/ डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमेशा एक से छोटी होगी, क्योंकि आपको पता है डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो जो भी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अगर मैं उसको इस तरीके से डिवाइड करूंगा तो वो हमेशा छोटी वैल्यू आएगी 1 से, ठीक है। तो कोइंसिडेंस फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। या फिर हम उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर। फिर आ जाइए यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन। जितनी भी उसकी रेटेड कैपेसिटी होगी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। प्लांट यूज फैक्टर जो होता है वो होता है टोटल किलोवाट आवर जनरेटेड डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर, कितनी देर तक उसको हम चला रहे हैं। तो इस बिहाफ में ये आपका पूरा का पूरा जो भी आपका ये लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर डिमांड फैक्टर कोइंसिडेंस फैक्टर एवरेज लोड, ये सब आपका
इस टॉपिक में या फिर हमने इस वीडियो में कोशिश करी है पूरी क्लियर करने की। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है, जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ कनेक्टेड लोड ऑफ 23 मेगावाट एंड अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट, द यूनिट जनरेटेड बीइंग 61.5 इंटू 10 टू द पावर 6 पर एनम, कैलकुलेट डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड एंड लोड फैक्टर। तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं, देखिए आपके पास गिवन क्या है, टोटल कनेक्टेड लोड, तो कनेक्टेड लोड लिख दीजिए कितना है आपके पास 23 मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड कितना है आपके पास 20 मेगावाट। द यूनिट जनरेटेड बीइंग, जो भी हमारी यूनिट जनरेट हो रही है वो कितनी है 61.5 इंटू 10 टू द पावर 6 पर एनम। तो यहां लिख लीजिए यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, पर एनम मतलब वो एक साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक एवरेज लोड निकाल लेते हैं हम, एवरेज लोड, और आपने यहाँ देखा है एवरेज लोड का फॉर्मूला क्या है, किलोवाट आवर सप्लाइड इन अ डे डिवाइडेड बाय 24, अगर हम एनुअली की बात करेंगे या फिर अगर हम एनम की बात करेंगे या फिर अगर हम साल की बात करेंगे, वो तीनों बात एक ही होती है। तो कितना हो जाएगा आपका किलोवाट सप्लाइड इन अ डे, कितना 61.5 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 365, ठीक है। अब इसका जो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, इसका आंसर है आपके पास 7020 किलोवाट। अगर हम बात करते हैं डिमांड फैक्टर की, डिमांड फैक्टर आपको पता है कि जो भी आपका डिमांड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, इट इज़ मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड कितना है वो, देखिए मैक्सिमम डिमांड कितनी है आपके पास, यहाँ गिवन है 20 मेगावाट डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड कितना है 23 मेगावाट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.869, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लोड फैक्टर की, लोड फैक्टर का आपको पता है एवरेज लोड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड आपका निकला 7020 किलोवाट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है 20 × 1000 किलोवाट, 20 मेगावाट आपको गिवन था, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1K को 1000 लिख लिया इस तरीके से। तो आपके पास जो ये आंसर आ रहा होगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास आएगा 35.1% आपके पास आएगा लोड फैक्टर, ठीक है। तो जो भी ये इसके बिहाफ में ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमने बातें करी है इस तरीके से कि लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर क्या होता है, इस तरीके से सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, इस तरीके से ये एक क्वेश्चन है। या फिर आपके पास जनरली प्री में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होता है, लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, इस तरीके आपके जनरलाइज क्वेश्चन बनते हैं, आपने अपने प्रीवियस ईयर में देखे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे एक जो भी हमारी वीडियो आएगी उससे अपडेट मिलता रहे आपको। ओके, थैंक यू।